लीडरशिप अगर बहुजनों के पास हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास हो, तो उसे वो जंगल राज घोषित कर देते हैं। जैसे कि क्राइम फ्री कहा था ना, आरोप मुक्त या आरोपी मुक्त या गुंडा मुक्त। अब आप देखिए आगरा का वाक्य, जो वाल्मीकि जी को मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, फोको नीति के तहत मुसलमानों का भी हजारों में कत्लेआम हो चुका है, दलितों का हो चुका है, ओबीसी का हो चुका है, तमाम जातियों का जो है मर्डर हुआ है पुलिस प्रशासन द्वारा। जो डाटा है जी, वो शुरू से ही, जब से ही उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, इस क्षेत्र को हम देखें तो एनसीआरबी का जो डाटा है, स्पेशली पुलिस प्रशासन के ताल्लुक से, तो पुलिस प्रशासन शुरू से ही यहाँ डैमेज रही है। हाँ, मायावती जी के वक्त में आके थोड़ी सी जो है उसमें तब्दीली आई थी, थोड़ी चेंजेस आई थी, लेकिन उसके बाद फिर बदल गई जी। अब जो है आप डैमेज इतना बड़ा आप उस पर आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन। आप मैं आपको सूचना दे दूं, यहाँ पर ठोको और क्राइम पर ठोको और तत्काल इन चीजों पे कार्रवाई, इस तरह का शासन था कुछ समय पहले? हाँ नहीं, वही शासन था, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, एनसीआरबी का जो डाटा है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकारें होती थी वो अपने तौर से प्रशासन को चलाती थी, उनके इशारे पर प्रशासन काम करता था, वो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो थी नहीं। तो अब आप अखिलेश के दौर में देख लें तो उस दौर में पुलिस का काम था भैंसों को ढूंढना, माया आजम खान की भैंस खो गई थी उसको ढूंढ रही थी। अब आज के दौर में योगी जी के राज में ठोको राजनीति के तहत 8,500 ब्राह्मणों को ठोक दिया पकड़ के। अखिलेश जी के राज की ही बात करूं तो डायल 100 उन्हीं की देन है, और आप इस तरह का आरोप। डायल 100 तो बहुत सारी देन, 108 भी इनकी देन है, 131 इनकी देन है। प्रशासन की बात करूं ना, प्रशासन की बात, वो डायल दे देने से नहीं होता ना, आप एक्टिविटी क्या करें, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक्ट की बात कर रहा हूं ना। आप जो एक्टिविटी 55 सेकंड में पुलिस आने का दावा था उस समय भी, तो दावा करने में, दावा तो कुछ भी कर देते, 15 लाख का भी दावा कर दिया था मोदी जी ने, हुआ तो कुछ भी नहीं। ऐसे दावे हो जाते हैं, ऑन पेपर कोई चीज है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो इम्पोर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं है ना। अब आप देखें एनसीआरबी का जो डाटा है वो शुरू से ही यहाँ पर बढ़ा हुआ है जी। जंगल राज चल रहा है, और ये नीति रही है शुरू से ही जी। गोदी मीडिया की शुरू से, आज नहीं बहुत पहले से ही जी। अगर अखिलेश, लालू, माया इनके दौर में कोई भी कांड हो तो फटाफट उसे वो जंगल राज घोषित कर देंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के शासन में हो तो वो बस ऐसे ही एक घटना है या दुर्घटना है बहुत हो। लेकिन अगर इनका शासन हो, लीडरशिप अगर बहुजनों के पास हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास हो, तो उसे वो जंगल राज घोषित कर देते हैं जी। लेकिन अगर भाजपा या कांग्रेस का कोई भी अपर कास्ट का जी, स्पेशली मैं कह रहा हूँ अपर कास्ट का अगर हो, वो और सत्ता में हो, तो फिर वो बस वो लीडर है। हाँ, घटना हो, भाजपा का मैनिफेस्टो जिसपे आप इस तमाम जो आरोप लगा रहे हैं, भाजपा का मैनिफेस्टो था भयमुक्त प्रदेश बना दूंगा, भयमुक्त प्रदेश है ये। अच्छा, सही फिर उस पे आप पुलिस 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 खुद भय में है, इसलिए तो वो आम निहत्ते लोगों को मार रही। जैसे कि क्राइम फ्री कहा था ना जी, आरोप मुक्त या आरोपी मुक्त या गुंडा मुक्त जी, है ना, जो प्रशासन देने का जो वादा किया है इन्होंने जी जी। तो अब जो आरोपी थे या फिर जो गुंडा थे या मतलब क्या कहते हैं एंटी सोशल जो एलिमेंट्स थे, वो एंटी सोशल एलिमेंट तो खुद पुलिस बनी हुई है। अब आप देखिए आगरा का वाक्य जी, जो वाल्मीकि जी को मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, ठोको की नीति को लेके, अब देखेंगे ठोको नीति के तहत 8,500 ब्राह्मणों का कत्लेआम हो चुका है, मुसलमानों का भी हजारों में कत्लेआम हो चुका है जी। और उसके बाद जो है दलितों का हो चुका है, ओबीसी का हो चुका है, तमाम जातियों का जो है, तमाम लगभग हर समाज का आप कह सकते हैं, सबका जो है मतलब कत्ल हुआ है जी, मर्डर हुआ है पुलिस प्रशासन द्वारा। बहुत बड़ा आरोप है ये। नहीं तो आप, ये तो डाटा है, ये तो डाटा है, आप उठा के देखेंगे तो आ ही जाएगा। अभी वाल्मीकि की जो घटना है आगरा की, योगी जी तो कह रहे थे अभी कुछ समय पहले एक रैली होती, योगी जी कह रहे थे न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है। अच्छा, नहीं योगी जी तो ये भी कह रहे थे कि बच्चे पैदा करते हैं क्या हम सरकार के भरोसे पैदा करते हैं, जब गोरखपुर में बच्चे मरे थे तब योगी जी ने ही कहा था ना सरकार थोड़ी ना ठेका, प्लांट बन तो रहा है वहाँ पर। प्लांट कब बन रहा है, जब लोग मर गए, जब गंगा में लाखों लाशें बह गई तब, जब लगभग 50 लाख लोग गंगा में बह गए तब जी, 50 लाख लाशें बही हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 70 से 80 लाख लोग सेकेंड वेव में मारे गए हैं।
परंतु हमारे पास डाटा आ रहा है केवल 4 लाख का, उसमें से भी 4 लाख को जो मुआवजा देने की बात जब आती है तब भी सरकार पीछे हट रही है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।